अरे आनंदी बिटिया, तनिक हमारे लिए चाय तो बना दो। सासू माँ, महरे हाथ की चाय पी के तो मजा आ जावेगा। ये बहुरिया तो पूरी राजस्थानी बोला था, भगवान जाने हमारा बिटवा के जिंदगी कैसे कटेगी। अरे पापा जी, आप क्यों चिंता करते हो, सब महरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। थोड़ी देर बाद आनंदी अपने सास ससुर के लिए चाय बनाती है, लेकिन राजस्थानी परंपरा के अनुसार आनंदी ने चाय में चीनी की जगह गुड़ डाल दिया। मिस्टर और मिसेस मिश्रा को उसका स्वाद अजीब सा लगा। और अब बिटिया, का डाली हो चाय में, स्वाद बहुत अलग लग रहा है। अरे पापा जी, चाय में गुड़ डाला है, थारी सेहत के लिए ना बहुत अच्छा है। हे भगवान, ये का हो रहा है हमारे घर में, राजस्थानी बहू ने तो घर का सारा खान पान ही बदल डाला है। हमको नहीं पीनी गुड़ वाली चाय, वापस लेकर जाओ। सासू माँ, मारे को लगा कि ये सब आपको पसंद आवेगा। तभी वहाँ पर आनंदी का पति अंकित आता है। देखो बेटा, अपनी पत्नी को जो है समझा लो, इस घर के रीति रिवाज बदलने की कोशिश ना करे। ठीक है माँ, मैं आनंदी को समझा दूंगा, वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। अच्छा देखो बेटा, 2 दिन बाद रविवार को हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे, अपनी पत्नी को कहना कि तनिक अच्छा सा खाना बना दे उनके लिए। ठीक है पापा, मैं आनंदी को अच्छी तरह से समझा दूंगा। रविवार को मिश्रा जी के ऑफिस के कुछ लोग उनके घर आते हैं, उनके लिए खाना पूरी तरह से आनंदी ने तैयार किया था। आनंदी बहू, ये देखो तुम्हारे पापा जी के दोस्त आए हैं, इनके लिए जरा खाना तो लगा दो। आप सब लोग पधारिए, मन ने तो खाना कब से लगा के रखा है। भाई मिश्रा जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है आपकी बहू ने काफी जायकेदार खाना बनाया है। सब लोग खाने के टेबल पर पहुंच चुके थे। आनंदी खुश होते हुए वहां पर आती है और ढके हुए खाने के ऊपर से प्लेट हटाती है। खाने की प्लेटों में बड़ी बड़ी बाटी देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या बनाया है आपके बहुरिया ने। ऐसा लगता है कि हम सबका मजाक उड़ाने के लिए बम के गोले बनाए हैं। अरे ना ना अंकल जी, ये बम के गोले ना है, इनको तो दाल बाटी बोले हैं, मारे राजस्थान का फेमस खाना है। लेकिन दाल बाटी पसंद ना आने की वजह से मिश्रा जी के दोस्त आधा अधूरा खाना खाकर ही उनके घर से चले जाते हैं, जिसकी वजह से मिश्रा जी और उनकी पत्नी आनंदी से बहुत नाराज हो गए। शाम को जब अंकित ऑफिस से आता है तो मिश्रा जी उससे कहते हैं, देखो अंकित बेटा, हमने तुमको पहले ही कहा था कि अपनी पत्नी को जरा समझा कर रखो, आज हमारे दोस्तों के सामने हमारा मजाक बना कर रख दिया। आनंदी, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें यहाँ के रहन सहन के हिसाब से काम करना होगा। मारे से गलती हो गई अंकित जी, आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। रात हो चुकी थी, मिश्रा जी का पूरा परिवार सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। वहीं आनंदी की बनाई हुई दाल बाटी रसोई में बस ऐसे ही पड़ी थी। आनंदी आज बहुत दुखी थी, उसने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया था। तभी अचानक रात के अंधेरे में मिश्रा जी के घर में चोर घुस आते हैं। मिश्रा जी, उनकी पत्नी, अंकित और आनंदी सब लोग चुपचाप एक कमरे में इकट्ठे हो गए। वो सब डरे हुए थे। अब क्या होगा, हमारे घर में तो चोर घुस आया है। सासू माँ, आप चिंता ना करो, मैं अभी रसोई में जाकर कुछ सोचती हूँ। अरे आनंदी, पागल हो गई हो क्या तुम, अब रसोई में जाकर कुछ सोचोगी, क्या मतलब है उसका। मारे दिमाग में ना एक बहुत सॉलिड आइडिया आया है, अंकित जी आप बस ना 2 मिनट रुक जाओ। इतना कहकर आनंदी दबे पांव रसोई में जाती है और यहाँ वहाँ नजर दौड़ाती है। तभी उसे एक प्लेट में अपनी बनाई हुई बाटी नजर आई। आनंदी ने 5-7 बाटी अपने हाथ में उठा ली और चुपचाप वापस अपनी जगह पर आ गई। ये देखकर लगता है बहुरिया पागल हो गई है, अब इस वक्त बाटी खाने का मन कर रहा है क्या। अरे पापा जी, ये बाटी आपके दोस्तों ने ना खाई तो कोई बात ना, इन बाटी से अब हम इन चोरों को मार भगाएंगे। अब तक मिश्रा जी और बाकी लोगों को सारी बात समझ में आ चुकी थी। सबने अपने हाथ में एक एक बाटी ले ली और चोरों के सर पर फेंकना शुरू कर दिया। अचानक से हुए हमले की वजह से चोर डर के मारे वहां से भाग गए। आनंदी बहू,
तेरी दाल बाटी के चक्कर में आज हमने तुझे बहुत डांटा, लेकिन इस खाने की वजह से ही आज हमारी जान बची है। अरे मेरी राजस्थानी बहू, बहुत काम की निकली तू तो। लेकिन आनंदी, तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आया कैसे? वो किसी ने मारे हाथ की बाटी ना खाई तो मन में बड़ा बुरा लगा। जब मैं रसोई में गई तो मन ने सोचा रसोई से चाकू वगैरह कुछ लेकर आऊंगी। फिर देखा ये बाटी रसोई में पड़ी पड़ी सूख गई थी, और सूखने के बाद ये पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो गई। अरे वाह बहू, तुम्हारा दिमाग तो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज काम करता है। मैं तो ऐसे ही तुम पर नाराज हो रहा था। ना पापा जी ना, गलती तो तुम्हारी भी है। मुझे आपके दोस्तों के पसंद के हिसाब से खाना बनाना चाहिए था। मन ने सोचा कि जो मारे को सबसे अच्छा आता है वही बना देती हूँ, लेकिन इस चक्कर में ना सब कुछ गड़बड़ हो गया। अरे आनंदी, तुम्हारी वजह से कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, बल्कि बहुत कुछ गड़बड़ होने से बच गया। मिश्रा जी का परिवार अपनी राजस्थानी बहू की बुद्धिमानी पर बहुत खुश था, और अब वो उसके बनाए हुए खाने पर बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। हमारे समाज में ये साफ है कि अगर बेटा कुछ नहीं करता है तो शादी कर दो, लेकिन शादी के बाद क्या होता है देखिए। परेशान करके रख दिया इस लड़के ने, समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं। भाभी आप ऐसा क्यों नहीं करती, ब्रिजेश की शादी करवा दीजिए। शादी के बाद ना हर लड़का सुधर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी जो आ जाती है। अरे कौन लड़की शादी करना चाहेगी ऐसे बेरोजगार लड़के से। वैसे भी शादी ही हो जाए यही सही है, हमारा सर दर्द तो खत्म हो, फिर तो वही समझे जिसका ये दामाद बनेगा और कर भी क्या सकते हैं, बेटी का पति है तो पालेगा ही वैसे बोले तो भाभी मेरी नजर में एक लड़की है, बहुत ही सुंदर और मेहनती, आपका ही तो बात चलाऊं। मुझे तो लगता है कि शादी के लिए मान भी जाएंगी। अरे नेकी और पूछ, ठीक है बात कर लो एक बार, हो जाए तो हम भी गंगा नहा ले, वरना तो इसकी शक्ल देखने का मन नहीं करता। ऐसे ही बुआ ब्रिजेश की शादी की बात चलाती है और लक्ष्मी के घर वाले मान भी जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मी की शादी हो जाती है ब्रिजेश के साथ। शादी के बाद, माँ जी ये मार्केट से कुछ सामान लाना था। अरे ब्रिजेश को दे देना, वो ले आएगा, वैसे भी उसको कुछ काम तो है नहीं, यही कर लेगा, पड़ा ही रहता है फालतू। माँ जी लेकिन इनको पता भी होगा कहीं कुछ गलत चीज ले आए तो। अरे फिक्र मत कर, कुछ गलत नहीं लाएगा। भाभी इस बेरोजगार को ऐसी चीजों का काफी एक्सपीरियंस है, और वैसे भी आप खुद ही सोच लो, नौकरी तो करता नहीं, घर पर बैठकर क्या करेगा, इसलिए मम्मी इसे ऐसे काम करने को दे देती है। अब जो आदमी नौकरी नहीं करेगा उसको घर के काम ही तो करने पड़ेंगे ना। लक्ष्मी को ये सब सुनकर बुरा लगता है। अगले दिन, आपके घर वाले बाहर वाले इनकी बात सुननी आपको अच्छी लगती है क्या, आप कोई नौकरी क्यों नहीं करते? नौकरी तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपना ही कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, और माँ इसके लिए तैयार नहीं होती, कहती है बहुत पैसा खर्च होगा, क्या पता चले ना चले। आप लोगों ने तो कोशिश करने से पहले ही हार मान ली, अगर आपको अपना ही कोई बिजनेस शुरू करना है तो मैं आपकी मदद करूंगी। क्या सच्ची में, लेकिन कैसे? देखिए आपको पैसों की जरूरत है ना, आप कुछ पैसे माँ जी से मांगी, कुछ पैसों का इंतजाम मैं करती हूँ। शाम को ब्रिजेश अपनी माँ से पैसों की बात करने के लिए जाता है। ब्रिजेश की माँ पड़ोस की औरतों से बात कर रही होती है। माँ आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोल ना, यहाँ कौन सा कोई पराया बैठा है, सब अपने ही तो है, बोल क्या बात है। बोलिए ना, आप चुप क्यों खड़े हैं? माँ मैंने अपना एक बिजनेस शुरू करने का सोचा है, लेकिन। लेकिन क्या? माँ जी उसके लिए थोड़े पैसे लगेंगे, अगर आपके पास है तो। मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे, लगता है इसका अभी तक बिजनेस का भूत उतरा नहीं। तुम्हारे ऊपर पैसे लगाने से अच्छा है कि मैं पैसों को आग लगा दूं। अरे नौकरी कर जाकर। लगता है ब्रिजेश ने काम करने का मन बना लिया है। मैं तो कहती हूँ जो बोल रहा है करने दो, कहीं बाद में मन बदल गया तो। अरे कुछ नहीं, ये बस पैसे खर्च करवाएगा, बिजनेस करना इसके बस की बात नहीं, उसके लिए दिमाग चाहिए। बोल तो तुम सही रही हो,
बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं, और वैसे भी कौन जाने बिजनेस चले भी या नहीं। अरे कैसे बीवी है जो पति को नौकरी के लिए भी नहीं बोल सकती। बहू तू अंदर जा और बाकी का काम कर। रात को तुमने देखा ना, तभी माँ से मैं इस बारे में कोई बात नहीं करता था। तुमने देखा उन्होंने कैसे एकदम से मना कर दिया, उन्होंने इसके बारे में एक बार सोचा तक नहीं, बस सबके सामने मेरा अपमान कर दिया। माँ जी को ऐसे बिना सोचे मना नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनके मना कर देने से कुछ नहीं होता। तो क्या करेंगे लक्ष्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिना पैसे लगाए हम कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, शादी के वक्त मैं जो गहने पहनकर आई थी उसको गिरवी रख देते हैं, इससे हमारे पैसों की परेशानी ठीक हो जाएगी। पैसों के लिए तुम्हारे गहने गिरवी रखना, मुझे ये ठीक नहीं लगता। ये गहने तुम्हारे माँ बाप ने कितने प्यार से दिए थे, और फिर माँ भी तो सच्ची कहती है, पता नहीं काम चले ना चले। लो जी, पहले ही सोच लिया कि नहीं चलेगा। मुझे तो लगता है कि आप मुझे इससे 2 गुने गहने बनवा कर देंगे। देंगे ना? जरूर, तुम्हें विश्वास है तो जरूर काम चलेगा, लेकिन अगर नहीं चला तो? अरे तब की तब देख लेंगे। अब ये करते हैं कि काम के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ महीनों बाद ब्रिजेश का कंप्यूटर कोचिंग सेंटर बनकर तैयार हो जाता है। तुम दोनों ने इसमें पैसे लगाकर बना तो दिया, लेकिन ये चलेगा नहीं चलेगा इसका भी कुछ पता है? अगर ना चले तो रोना धोना मेरे सामने ना करना। बहू तू तो समझदार थी, ऐसा काम करेगी मैंने सोचा नहीं था। तेरे गहने पर मेरी नजर थी कि मेरी बेटी के काम आएंगे, लेकिन तू? अरे रहने देना माँ, पैसों से सिर्फ सामान आता है। अब भाई तुम अपने स्टूडेंट्स भी भाभी के पैसों से खरीद के लाना, पता नहीं खोटे सिक्के पर कोई भरोसा करेगा भी या नहीं। माँ जी और मेरी प्यारी ननद, जब हम दोनों मिलकर इतना कुछ कर सकते हैं तो मुझे ये भी यकीन है कि हमारा कोचिंग सेंटर भी अच्छे से चलेगा, और नहीं चला तो आप लोगों का तो वैसे भी कुछ नहीं जाएगा। हाँ माँ, मैं इस कोचिंग सेंटर को खूब अच्छे से चलाऊंगा। मैं लक्ष्मी की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अरे देखते हैं, लक्ष्मी सच में तेरी जिंदगी की लक्ष्मी है या सिर्फ नाम की। इतने में आस पड़ोस की कुछ औरतें आती हैं। बधाई हो ब्रिजेश की माँ, आपके बेटे ने कोचिंग सेंटर खोल दिया। इस सेंटर को देख मेरा बेटा भी यहाँ आने की जिद कर रहा है, कहता है मुझे भी कंप्यूटर सीखना है। अब कोचिंग यहाँ खुलने से मैं निश्चिंत हूँ, उसे कंप्यूटर सीखने कहीं दूर नहीं जाना होगा। अरे ये तो बहुत अच्छा है, खुलने से पहले ही बच्चे आना शुरू हो गए। छोटू से कहना अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले आए। हाँ हाँ क्यों नहीं, उसने अपने दोस्तों को भी बता रखा है। तो आप छोटू को परसों से भेज देना, परसों से कोचिंग सेंटर खुल जाएगा। 1 महीने बाद, माँ देखो मैं अपनी पहली कमाई से आपके लिए ये साड़ी लाया हूँ, और ये तुम्हारे लिए लक्ष्मी। और वो कहाँ है? इसका सामान मैं उसके कमरे में रख कर आता हूँ। माँ जी देखिए आज ये कितने खुश लग रहे हैं, इतना खुश आज से पहले मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। हाँ नया नया शौक है, खुश क्या दिखेगा जब सारा दिन सोता रहता था। पता नहीं तेरे बाप ने क्या देखा, पर हमें क्या। मेरे पापा ने इनकी डिग्री और ये देखा कि इन्होंने पढ़ाई के लिए कभी आप लोगों से पैसे नहीं लिए, देश के सबसे अच्छे कॉलेज से स्कॉलरशिप से पढ़ाई की। माँ जी ये नौकरी नहीं करना चाहते थे, ये तो आप भी जानती थी। शादी से पहले ही मुझे इन्होंने सब कुछ बता दिया था और मुझे इन पर विश्वास था। हाँ माँ, लक्ष्मी के विश्वास ने ही मुझे फिर से खड़ा किया, वरना मैं तो कुछ नहीं था। मैं तो कहता हूँ कि बीवी हो तो लक्ष्मी जैसी।